लेडीज एंड जेंटलमैन, जाओ लेडीज जेंटलमैन, हमको थोड़ा बैठने दो। अब लेडीज जेंटलमैन को बुला लिया जाए, सब सही है, सब सही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ निमेश परमार। मैं हूँ सोफी परमार। मैं हूँ मंजुला परमार। और ये है हमारा चैनल निम्मी सोफी और मम्मी। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अभी रेगुलरली चैनल पे वीडियो आते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। जब भी वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्यों, क्या क्यों, क्यों? वो आपको बताना पड़ेगा क्यों लोगों को। अभी ना जितने कंटिन्यू हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें खुद ही बोल रहे हो, तो मैं बोली ये भी बोल ही लेंगे। मैं बोला चलो साइड कैरेक्टर को भी थोड़ा मौका दे दे। अरे हमारे वजह से चैनल चल रहा है भाई साहब। भाई साहब आपके भाई। थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, ग्लैमर बैठे। हम रिएक्शन कर रहे हैं फोगारू का जी। yes. और इस मूवी में लीड रोल में है ध्रुव सरजा एंड रश्मिका मंदाना एंड नंदा किशोर इस फिल्म के डायरेक्टर है। शुरू करते हैं फोगारू। जानदार एक्टर है ना। हाँ। लग रहा है कि उठा हाँ, के फेंक सकता है, है ना। हाँ। ये गूगल भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा पंचे इसके। मैं तो हीरो को देखने में रह गई यार। मुझे थोड़ी सी जो ऑड सी चीज लग रही है, ऑड नहीं मतलब नई सी चीज लग रही है कि एकदम हीरो एकदम जानदार पड़ा था और हीरोइन रश्मिका एक्चुअली ना वो
कैसे बोलेंगे, ब्यूटी एंड द बीस्ट का कॉम्बिनेशन, वैसा ही एक्चुअली, एक्चुअल में वही कॉम्बिनेशन है। और हीरो देख के लग रहा है भाई कि किसी को मारेगा तो वो मरेगा, टूटेगी से बिल्कुल। अब इसमें ना कोई ग्रेविटी का कोई लेन देन नहीं रहेगा भाई, ये आदमी उठा के फेंकेगा तो मरेगा। सही है, और सच में बॉडी है यार। और सिर्फ बॉडी की बात नहीं है, जो डायलॉग बोलने की, क्योंकि मैं इंग्लिश सबटाइटल्स इतने पढ़ नहीं पाता सीन की वजह से, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ डायलॉग बोल रहे थे, जो इमोशन के साथ ना, तो लग रहा था कि क्या जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे बीच में बोले यार क्या एक्टिंग है यार। मुझे अच्छा लगा, हीरो काफी क्यूट है। जो ये ट्रेलर था ये भी बहुत इंगेजिंग था, मतलब थोड़ी देर के लिए ना ध्यान इधर उधर नहीं गया, पूरा उसके अंदर था। एक्चुअली स्टार्टिंग में जिस तरह से शुरू किया एकदम मार धाड़ एंड ऑल, और बीच में जो एक क्यूटनेस आया ना लव स्टोरी है, अम्मी हीरोइन को देख के एकदम कॉमेडी निकल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हीरोइन एकदम एजुकेटेड सिंपल सी सीधी सादी रश्मिका, और हीरो एकदम राउडी, और हीरो का उसमें एक डायलॉग्स भी हैं जो बोलते हैं कि मैं एकदम सोफिस्टिकेटेड ऐसा नहीं हूँ, मेरी दाढ़ी लंबी है, मेरे बाल बड़े हैं, और लेकिन वो बोलती है मेरे बारे में बुरा सोचा, तूने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, मैं ऐसा ही हूँ, राउडी जैसा हूँ, तो अभी क्या करूँ। सही बात है, जो जैसा है उसे वैसे ही पसंद। लेकिन मतलब वो राउडी जैसे है पर वो बुरे नहीं है, ऐसा है। और किसी तो कॉज के लिए लड़ाई हो रही है सारी, वो नहीं पता क्यों, तो वो तो देखने पे पता चलेगा। और मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आई होप ये हिंदी में है, हिंदी में है। आज ही ये मूवी हम देखने वाले हैं, आज अभी इसे वक्त, ये ट्रेलर खत्म कर। हनुमान जी का और शक्ति थी क्या? नहीं नहीं, शक्ति वक्ति कुछ नहीं थी, वो सिर्फ ऐसे दिखाया था, मूर्ति था, दिखाया था मूर्ति। हाँ, अच्छा आपको लगा भगवान कहे करके कुछ, वो इतना तोड़ फोड़ पहले हनुमान जी दिखाए, फिर वो गाड़ी एकदम उधर गई, तो वही शुरू कहाँ से करते करते कहाँ चले गए। कैसा हीरो, कैसा लगा हीरो? बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा, अलग है और बहुत अच्छा एक्टर। पहली बार ऐसा हीरो देखा। हाँ, और वो जो ऊपर से आते कार पे कूदते, नीचे आते सामने, वो भाई क्या फ्लॉलेस सीन था। और लग रहा है भाई इधर नहीं है पर उधर है। अरे उधर मछली बहुत सही उगी हुई थी, एकदम तैर रही थी, हमारा तो कुछ भी होता, अंडे भी नहीं दिए। तो ये रहा हमारा पुकारू का रिएक्शन। पुकारू, पुकारू क्या है वो तो समझ में नहीं आया। हाँ, पुकारू क्या चीज़ है? हीरो का नाम पुकारू है। हाँ, मतलब पुकारू का क्या हासिल हो सकता है? आप प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि पुकारू क्या है वो हमको समझ में नहीं आया। पुकारू का मतलब क्या है, या हीरो का नाम पुकारू है, और पुकारू है तो उसका मतलब क्या है? तो प्लीज ये दो बार बोल दी, पर प्लीज कमेंट कर दे, हमारी इजाजत हो तो खत्म करें, करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और इस वीडियो को देखिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। हम फैमिली, आपकी फैमिली, फैमिली ही फैमिली। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल जिसका नाम है निम्मी सोफी और मम्मी। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।